दूसरी चीज़ आपको सबके लिए कि अगर आप, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप नौजवान हैं और आपके पास ज़ाहिर है आपके पास पैसा नहीं है डोनेट करने के लिए, आपको वॉलंटियर करना चाहिए, हमारा जो टाइगर फोर्स है इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी देर तक ये मसला रहेगा। लोगों को रिहेबिलेट करने के लिए, उनके घर उजड़ गए हैं उनकी मदद करने के लिए, गवर्नमेंट के पास इतने लोग नहीं हैं कि वो इतना बड़ा इलाके को कवर करें, तो उसके लिए एक बड़ी रजाकार फोर्स चाहिए होगी। तो आप सब रजिस्टर करें, हम आपको ऑर्गेनाइज करेंगे। और फिर तीसरी चीज़ मैं आपको कह दूँ, तीसरी चीज़ कि हम यहाँ से कंट्रोल सेंटर बनाएंगे, जो भी कोई एनजीओ हो, कोई ग्रुप हो, कोई लोगों ने फैसला किया मोहल्ले में कि हम मदद करना चाहते हैं, हम यहाँ से आपको गाइड करेंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये इलाके हैं जिधर लोगों को मदद की ज़रूरत है, ताकि एक सारों को सबकी एफर्ट गाइड करें। जब मैं पहले 2010 में देखा या उससे जलजले में, तो सब लोग एक ही जगह पहुंच जाते थे और बाकी इलाके में लोगों के बड़े बुरे हालात थे, उनको कोई पूछता नहीं था क्योंकि कोई गाइड नहीं करता था। इस बारी हम एक कंट्रोल रूम बना के सबको गाइड करेंगे कि कोई भी पूछना चाहे कि मैं मदद करना चाहता हूँ तो कौन से इलाके में, तो हम फिर आपको गाइड करेंगे, ताकि सारे पाकिस्तानी, एक पूरी जॉइंट एफर्ट हो सारी कौम की।